प्रकाश क्या है? प्रकाश वह ऊर्जा है जो हमें किसी भी वस्तु को देखने में सहायता करता है। पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? सूर्य। पृथ्वी से सूर्य की दूरी कितनी है? 15 करोड़ किलोमीटर। सूर्य के प्रकाश की चाल क्या है? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड या 3×10^8 मीटर प्रति सेकेंड। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी की सतह तक आने में कितना समय लगता है? 500 सेकेंड या 8 मिनट 20 सेकेंड लगभग। प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं? जिस वस्तु से प्रकाश उत्पन्न प्रकाश स्रोत कहते हैं, जैसे सूर्य, तारे, लालटेन, बल्ब, मोमबत्ती, टॉर्च आदि। प्रकाश स्रोत कितने प्रकार के होते हैं? प्रकाश स्रोत 2 प्रकार के होते हैं। प्राकृतिक प्रकाश स्रोत जैसे सूर्य, तारे, जुगनू, मानव निर्मित प्रकाश स्रोत जैसे लालटेन, विद्युत बल्ब, मोमबत्ती, टॉर्च आदि। प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? जब प्रकाश की किरण किसी वस्तु की सतह से टकराकर लौटती है, तब इस पर प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। परिकीर्णन किसे कहते हैं? जब सूर्य का प्रकाश पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है, तो वायुमंडल में उपस्थित धूल कण, वायु के अणु प्रकाश के कुछ भाग को अवशोषित कर लेता है, शेष भाग को चारों ओर विकृत कर देता है। इस प्रक्रिया को परिकीर्णन कहा जाता है। प्रकाश की किरण किसे कहते हैं? एक सरल रेखा पर चलने वाले प्रकाश को प्रकाश की किरण कहते हैं। प्रकाश का किरण पुंज किसे कहते हैं? प्रकाश के किरणों के समूह को प्रकाश का किरण पुंज कहते हैं। किरण पुंज कितने प्प्रकार के होते हैं? किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। अपसारी किरण पुंज, अंतर किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज। अपसारी किरण पुंज किसे कहते हैं? जब प्रकाश की किरणें प्रकाश स्रोत से निकल कर फैलती चली जाती है, तो इस प्रकार के किरण पुंज को अपसारी किरण पुंज कहते हैं। समांतर किरण पुंज किसे कहते हैं? ऐसे किरण पुंज में एक दूसरे के समांतर होती है। अभिसारी किरण पुंज किसे कहते हैं? इस प्रकार के किरण पुंज प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर आकर मिलती है। पारदर्शी वस्तु किसे कहते हैं? जिस वस्तु से होकर प्रकाश की किरण आसानी से आर पार हो, उसे उस वस्तु को पारदर्शी वस्तु कहते हैं, जैसे कांच, हवा, साफ पानी, सफेद इत्यादि। पारभाषी वस्तु किसे कहते हैं? जिस वस्तु से होकर प्रकाश की किरण आंशिक रूप से आर पार हो, उसे पारभाषी वस्तु कहते हैं, जैसे तेल लगा कागज, घिसा हुआ कांच, धुआं, कुहासा आदि। अपारदर्शी वस्तु किसे कहते हैं? जिस वस्तु से होकर प्रकाश की किरण आर पार नहीं हो सके, उसे अपारदर्शी वस्तु कहते हैं, जैसे दीवार, श्याम पट, टेबुल, कुर्सी इत्यादि। दर्पण कैसे बनता है? दर्पण बनाने के लिए कांच के एक ओर रस्सी कर दिया जाता है, और इसके बाद चांदी की परत हट जाए इसलिए रंगीन पेंट चढ़ाई जाती है। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं, आपतित किरण और परावर्तित किरण, और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब। तीनों एक ही तल में होते हैं। आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में होते हैं, कोण आई बराबर कोण आर। आपतित किरण किसे कहते हैं? किसी बिंदु की सतह पर आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। परावर्तित किरण किसे कहते हैं? किसी वस्तु की सतह से टकराकर लौटने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। आपतन बिंदु किसे कहते हैं? आपतित किरण जिस बिंदु पर टकराती है, उसे आपतन बिंदु कहते हैं। आपतन कोण किसे कहते हैं? आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। परावर्तन कोण किसे कहते हैं? परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। किसी वस्तु की सतह पर लंबवत प्रकाश की किरण आने पर आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान क्या होगा? किसी वस्तु की सतह पर आपतित किरण यदि लंबवत पड़ती है, तो परावर्तन के बाद उसी पथ से लौट जाती है। इस स्थिति में आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान 0 होगा। प्रतिबिंब किसे कहते हैं? किसी वस्तु बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, या जिस बिंदु से वास्तव में मिलती है, उसे उस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं? प्रतिबिंब 2 प्रकार के होते हैं, आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब किसे कहते हैं? किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, उसे उस बिंदु स्रोत का आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। आभासी प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के पीछे बनता है। आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है। आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता है। आभासी प्रतिबिंब को छू नहीं सकते हैं।
वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं? किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है उसे उस बिंदु स्रोत का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है। वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के सामने बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है। वास्तविक प्रतिबिंब को छू सकते हैं। गोलीय दर्पण किसे कहते हैं? जिस दर्पण का परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का एक भाग हो वह दर्पण गोलीय दर्पण कहलाता है। गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? गोलीय दर्पण मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, उत्तल दर्पण अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण किसे कहते हैं? कांच के खोखले गोले के टुकड़े को अंदर से रजतित करने से बने दर्पण को उत्तल दर्पण कहते हैं, या जिस दर्पण का परावर्तक सतह उभरा हुआ हो उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। अवतल दर्पण किसे कहते हैं? कांच के खोखले गोले के टुकड़े को बाहर से रजतित करने से बने दर्पण को अवतल दर्पण कहते हैं, या जिस दर्पण के परावर्तक सतह धंसा हो उसे अवतल दर्पण कहते हैं। ध्रुव किसे कहते हैं? दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। इसे पी से सूचित किया जाता है। वक्रता केंद्र किसे कहते हैं? गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उस गोले के केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं? गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है गोले के त्रिज्या को दर्पण का वक्रता त्रिज्या कहते हैं। मुख्य अक्ष या प्रधान किसे कहते हैं? गोलीय दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष कहते हैं। नोट, मुख्य अक्ष के समांतर आती प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस बिंदु से होकर लौट जाती है। फोकस की दिशा में आती प्रकाश की किरण अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर लौट जाती है। वक्रता केंद्र की दिशा में आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद उसी पथ से लौट जाती है। फोकस बिंदु किसे कहते हैं? मुख्य अक्ष के समांतर आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर गुजरती है उस बिंदु को फोकस बिंदु कहते हैं। फोकस दूरी किसे कहते हैं? ध्रुव और फोकस बिंदु के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। फोकस दूरी को छोटी एफ से सूचित करते हैं। अवतल दर्पण का उपयोग लिखें। अवतल दर्पण का निम्नलिखित उपयोग होता है, हजामती दाढ़ी बनाने में, टॉर्च वाहन के हेडलाइट सर्च लाइट में, नाक कान गला दांत आदि के इलाज में, सौर भट्टियों में। उत्तल दर्पण के सामने रखी वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है? उत्तल दर्पण के द्वारा किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा आभासी काल्पनिक बनता है। उत्तल दर्पण का उपयोग लिखे। स्कूटर मोटरसाइकिल मोटर कार तथा बस आदि वाहनों में उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में होता है। भागों में बांटा गया है, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण को दो भागों में बांटा गया, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। नोट, अवतल दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या ऋणात्मक होती है। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या धनात्मक होती है। दर्पण सूत्र 1/V + 1/F, F बराबर R बटे 2, R बराबर 2F, M बराबर H' / H, M बराबर -V/U। भी प्रतिबिंब की दूरी को कहा जाता है, यू वस्तु की दूरी को, एफ फोकस दूरी, आर वक्रता त्रिज्या, एच वस्तु की ऊंचाई, एच डैश प्रतिबिंब की ऊंचाई और एम आवर्धन को कहा जाता है। आवर्धन किसे कहते हैं? प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। आवर्धन को एम से सूचित किया जाता है।